नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 17 अप्रैल शुक्रवार सुबह राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आज शुक्रवार को 38 नए रोगी आने के बाद 1169 तक पहुंच गया है। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जयपुर से 5 मामले, जोधपुर से 18 मामले, झुंझुनू से 1 मामला, नागौर से 2 मामले, अजमेर से 1, टोंक से 6, व झालावाड़ से 1 मामला और कोटा से 4 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में रहने वालों को लॉकडाउन 2.0 की में बड़ी राहत मिली है। यहाँ के निवासी 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों में मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। यह छूट सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर के लिए है। स्थानीय बाजार में इनसे जुड़ी दुकानें नहीं खुलेंगी। केंद्र ने हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के वाहन संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर हर तरह का सामान ले जा सकेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी संकट के चलते जयपुर एयरपोर्ट का निजीकरण अगले कुछ माह तक टल सकता है। पूर्व में जयपुर एयरपोर्ट को जून माह तक निजी ग्रुप अंडानी एंटरप्राइजेस को सौंपा जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब कोरोना महामारी से इस प्रक्रिया में कुछ माह और लगेंगे, लिहाजा एयरपोर्ट के विकास से जुड़े कुछ कार्य भी अभी नहीं होंगे। दरअसल पिछले वर्ष फरवरी माह में हुई निविदा में अंडानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट के लिए बोली लगाई थी और सभी एयरपोर्ट्स की बोली में अंडानी ग्रुप ही विजेता रहा था। 3 एयरपोर्ट लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु को निजी कंपनी को सौंपे जाने का MOU हो चुका है। बांदीकुई आबकारी विभाग के दल ने गुरुवार को क्षेत्र में कई जगहों पर दबिश देकर हजारों लीटर वॉश नष्ट की। आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में बन्नापुरा व चक्रेवासा में दबिश दी, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों को दल के पहुंचने से पहले ही भनक लग जाने से भागने में सफल हो गए। बाद में आबकारी दल ने भट्टियां एवं ड्रमों से भरी वॉश को नष्ट कर दिया। दल के सभी साथ बांदीकुई एवं बसवा थाना पुलिस का जाब्ता भी तैनात था। खास बात यह है कि इन दिनों पुलिस व प्रशासन कोरोना वायरस की रोकथाम में जुटा हुआ है, इसके चलते इस कारोबार से जुड़े लोगों के हौसले बुलंद हैं। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि इस अभियान को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। भारत में 84% लोग COVID-19 के खतरे से बचने के लिए अपने घरों में ही रह रहे हैं। यह बात इप्सोस के सर्वेक्षण में सामने आई है। यह सर्वेक्षण भारत सहित दुनिया के 14 देशों में किया गया है, जिसमें पाया गया है कि कुल 5 में से 4 व्यक्ति COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए घरों में ही रह रहे हैं। कोटा में कोरोना के बीच प्रशासन ने पुत्री के पिता की परिवेदना पर आज 4 जनों की मौजूदगी में विवाह करने की अनुमति दी है। विवाह समारोह पर रोक है, लेकिन हालात को देखते हुए ADM CT ने 6 घंटे में रस्में पूरी करने की अनुमति दी है। ADM RD मीना ने कहा, शादी में उपस्थित लोग मास्क लगाएंगे और सैनिटाइज होकर विवाह करेंगे। अजमेर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव के दर्जी और समाज सेवी मास्क बनाकर बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोई स्वयं प्रेरणा से मास्क बनाकर बांट रहा है तो कोई रोजगार देने की मंशा से मास्क बनवा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों के चक्कर में जिन गांव के दर्जी को भुला दिया गया था, आज वही संकट की घड़ी में हमारे काम आ रहे हैं। किसी भी ब्रांडेड कंपनी ने मास्क बनाकर देने की जहमत नहीं उठाई है। मेडिकल स्टोर पर महंगे भाव में मास्क बिक्री की कई शिकायतें हैं। ऐसे में गांव का के दर्जी कर्मवीर बनकर समाज और देश सेवा का संदेश दे रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.